ठीक है, मैं अब अपनी बातों को शुरू करता हूँ। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ये जो फेसबुक पेज है, इसके हमारे एडमिन और इस पूरे व्याख्यान के संयोजक डॉक्टर सोमू सिंह सर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और चूँकि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया, और आज के अध्यापक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूँ तो ये जो पोर्टल है, ये फेसबुक का जो पेज है, ये कहीं ना कहीं आज भारत के सर्वाधिक जो अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, विद्वज्जन हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह एक समूह है। तो निश्चित ही यहाँ पर अपनी बातों को रखना, अपने विषय पे कुछ बोलना एक बहुत ही अपने आप में एक सौभाग्य का भी विषय है और एक कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है इसमें। तो मैं यहाँ पर आप सभी सुधीजनों का, आप सभी विद्वज्जनों का स्वागत करता हूँ आज के इस व्याख्यान में। और मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर पांडे है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सांची यूनिवर्सिटी में, वैकल्पिक शिक्षा विभाग है यहाँ पे, और उसी में मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, वह विषय है भगवद गीता में व्यक्तित्व की अवधारणा संघर्ष समाधान के विशेष परिप्रेक्ष्य में। तो भगवद गीता के विषय में, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भारतीय दर्शन के जो प्रस्थानत्रयी ग्रंथ हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि आधारभूत ग्रंथ हैं, उसमें भगवद गीता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए मैंने कहा कि उपनिषदों का ये सार है, कहा भी गया है कि सर्वोपनिषदों गाय दुग्धा गोपाल नंदा। तो ये जो उपनिषदों का सार है, यह भगवद गीता है। अब चूंकि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की अवधारणा एक नवीन आस्पेक्ट है, एक नवीन कॉन्सेप्ट है, और ये मनोविज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है, तो कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि आप इसे भगवद गीता के संदर्भ में कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भगवद गीता ग्रंथ है, यह ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह देश काल और परिस्थिति की सीमाओं से आगे बढ़कर लिखी कही गई है। तो जो भी इस तरह के ग्रंथ होते हैं, जिसको हम महान ग्रंथ कहते हैं या विश्व ग्रंथ कहते हैं, तो उस ग्रंथ की विशेषता ये होती है कि वो ग्रंथ किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं होता, किसी एक काल के लिए नहीं होता और किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं होता। तो इसलिए जो है भगवद गीता के संदर्भ में जब हम पर्सनालिटी की चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, तो वह प्रासंगिक है और युक्तियुक्त भी है। आज के इस व्याख्यान में मैं व्यक्तित्व और संघर्ष समाधान के संदर्भ में अपनी बातों को कहूँगा, और ये पूरी तरह से पर्सनालिटी को लेकर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, एक जो इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, उसको ध्वनित करेगा, उसको बताएगा। तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ते हुए अपनी बात को करता हूँ। आज के जो मेरा विषय है, व्याख्यान है, इसमें मैं तीन बातों को लूँगा कि व्यक्तित्व की एक समझ क्या है, अवधारणा क्या है भगवद गीता में, और उस अवधारणा में फिर संघर्ष की स्थिति क्या है, और संघर्ष समाधान, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हम चर्चा करते हैं, संघर्ष समाधान के जो है टेक्निक की बात करते हैं, तो उस पे मैं अपनी बातों को रखूँगा। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं कि व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। देखिए, व्यक्तित्व की बात यदि हम चर्चा करें तो व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि को पहले हमें समझना आवश्यक है, और व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें इस ग्रंथ के आरंभ को समझना आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी ग्रंथ के आधार पर, किसी टेक्स्ट के आधार पर यदि हम अपनी बात को कहते हैं, तो उस टेक्स्ट में का आरंभ किस प्रकार से हुआ है, उससे हमें उसकी पृष्ठभूमि को समझने का अवसर मिलता है।
तो इस ग्रंथ का जो है, इस टेक्स्ट का जो प्रथम श्लोक है, उससे हमें इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी, उसकी आधारभूत एक समझ है जिसको हम पृष्ठभूमि कह रहे हैं, इसको समझने का हमें अवसर प्राप्त होगा। तो जैसा कि ये इस ग्रंथ का जो प्रथम श्लोक है, वह प्रथम श्लोक जो है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से प्रारंभ होती है और वह श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ममाका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। तो देखिए, ये जो श्लोक है यह धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से इस ग्रंथ का प्रारंभ है। अब मैं आगे आगे विषय के साथ साथ इस विषय पे भी चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले इस श्लोक में जो है व्यक्तित्व की जो समझ, मैंने कहा कि पृष्ठभूमि को हम पहले समझ लें, तो इस विषय, इस श्लोक में तीन बातें हैं। एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, जिसको हम कहते हैं परिवेश, स्थान या वातावरण, तो एक तो आई बात परिवेश की। दूसरी बात है इसमें समवेता युयुत्सव, तो युयुत्सव कहते हैं इच्छा रखने वाले, तो युयुत्सव और किस तरह के युयुत्सु हैं, तो समवेत होकर, तो जो इकट्ठा होकर जो समवेत हुए हैं, और किस तरह के, तो इच्छा रखने वाले। किस तरह की इच्छा रखने वाले, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले, युयुत्सव कहा गया है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले जहां एकत्रित हो रहे हैं। तो ये जो है यह प्रकृति है, यानी पहला जो है परिवेश, दूसरा जो है प्रकृति, जो हम इसको यदि ह्यूमन सेंट्रिक कहें तो हम कहेंगे कि एक यहाँ पर, चूंकि भगवद गीता में दोनों तरह की चर्चा है, एक ह्यूमन सेंट्रिक भी बात है और एक निसर्ग सेंट्रिक, जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, दोनों सेंट्रिक बातें चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, तो मैं दोनों के संदर्भ में अपनी बातों को रखूँगा। तो यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल की बात हुई कि जो इंडिविजुअल की स्थिति क्या है, तो एक सेकेंड जो इसमें बात आई कि इच्छा, तो इच्छा जो है व्यक्तित्व के संदर्भ में दूसरी बात जो है जानना आवश्यक है। तो परिवेश हो गई, उसके बाद जो है स्वभाव, और तीसरी बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वह है किम कुर्वन्ति संजयः, ममाका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजयः। इसका जो तीसरा क्षेत्र है किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, कौन क्या करता है, तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाले जो दोनों समूह हैं, दोनों समूह कौन कौन से हैं, मेरे और पांडव के पुत्र, ये दो जो समूह है, इन दोनों के समूहों के बीच जो है क्या हो रहा है। तो किम कुर्वन्ति संजय है, ये जो तीसरा जो इस श्लोक का पार्ट है, ये भाग है, ये बता रहा है कि इनके बीच जो है इंटरैक्शन की चर्चा। तो तीसरी बात जो है वो इंटरैक्शन है। तो पर्सनालिटी की बात जब मैंने शुरू की तो उसमें इन तीन विषयों की, इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए इन तीन विषयों को हमें समझना आवश्यक है, परिवेश को समझना आवश्यक है, इंडिविजुअल स्थिति क्या है इसको समझना आवश्यक है, और तीसरा परिवेश और इंडिविजुअल स्थिति के बीच जो है किस प्रकार का इंटरैक्शन है, इसको भी समझना आवश्यक है। तो इन तीनों को जब हम समझते हैं तब हम व्यक्तित्व की एक समग्र जो है समझ को स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि भगवद गीता में दो पैरेलल कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक जो है एक समष्टिगत जो हमारा पर्सनालिटी है उसकी भी चर्चा चलेगी, और एक जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, क्योंकि इंडिविजुअल का कलेक्शन ही जो है समग्र है, समष्टि जिसको हम कहते हैं, तो व्यक्तियों के समूह से ही समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ हमें समझना होगा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से इस धर्म ग्रंथ का, इस विश्व ग्रंथ का जो आरंभ हुआ है, वहाँ पे एक इस बात को हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि धृतराष्ट्र जो है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। धृतराष्ट्र का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो धृत और राष्ट्र से बना है धृतराष्ट्र, यानी कि राष्ट्र को धारण करने वाली शक्ति जो है उसको हम धृतराष्ट्र कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर दोनों पैरेलल कॉन्सेप्ट जो है वो चलेंगे, एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट भी चलेगा और एक कलेक्टिव कॉन्सेप्ट भी चलेगा। तो पर्सनालिटी के संदर्भ में मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलूँगा। तो इंडिविजुअल क्या, पहले अगर हम विश्लेषण करके यदि हम व्यक्तित्व को समझ लेते हैं तो फिर हम कलेक्टिव को भी समझ
पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टिव जो है अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इंडिविजुअल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को समझना चाहते हैं तो हम परिवेश को हटा के नहीं समझ सकते, यानी कि परिवेश का प्रभाव व्यक्ति पर है और व्यक्ति का प्रभाव परिवेश पे है, यानी इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है प्रकृति और परिवेश का, इंडिविजुअल जो हमारा नेचर है और जो एक कलेक्टिव जो परिवेश है, इन्वायरमेंट है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को हमें दोनों को लेकर समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस दोनों को मैं आगे लेके समझने की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इंडिविजुअल को यहां पर लेकर चलता हूं कि इंडिविजुअल क्या है। देखिए, भगवद गीता में जो है कुल 5 लोगों की बातें आती हैं जिन्होंने 5 अपनी बातें कही हैं। तो हमें अगर टेक्स्ट के माध्यम से पर्सनालिटी को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं उनके बातों के एनालिसिस, उनकी बातों का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोलते हो वो आपके व्यक्तित्व का ही एक प्रतिबिंब होता है, आपकी झलक उसमें स्पष्ट रूप से दिखती है। तो हमारा जो कथन होता है उसमें ही हमारे व्यक्तित्व का विश्लेषण कहीं ना कहीं उसमें दिखता है। तो जो 5 इसमें कैरेक्टर हैं, उन 5ों के की बात मैं पहले कर दूं तो उसमें सबसे पहले है धृतराष्ट्र, उसके बाद आता है संजय, उसके बाद दुर्योधन, उसके बाद अर्जुन और उसके बाद श्री कृष्ण। चूंकि कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वह एक कहीं ना कहीं नियमों से परे है और उसको हम सिद्धांतों में नहीं बांध सकते, उसकी जो है हम समीक्षा नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है कृष्ण के व्यक्तित्व पे जो है का विश्लेषण नहीं करूँगा। मैं केवल और केवल इन 4 व्यक्तियों के व्यक्तित्व को लेकर ही विश्लेषण करूँगा, क्योंकि अगर कृष्ण के व्यक्तित्व, क्योंकि उनको जो है हम नियम में नहीं बांध सकते, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा गया है। तो योगेश्वर के व्यक्तित्व को हम नियमों में, सिद्धांतों में नहीं बांध सकते, इसलिए हम उनकी जो है चर्चा नहीं यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो मैं बात कहूँगा उसमें इन 4 पात्रों को लेकर ही अपनी बात कहूँगा। तो 4 पात्र में जो है क्रम से यदि हम देखें तो धृतराष्ट्र, उसके बाद जो है सेकंड श्लोक जो है वह संजय बोलते हैं, उसके बाद तीसरा जो है संजय ही कहते हैं लेकिन उसमें जो है उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो दुर्योधन की बात कहते हैं, तो दुर्योधन के जो है हमें स्टेटमेंट मिलते हैं, और चौथा स्टेटमेंट जो है प्रथम अध्याय में ही अर्जुन का मिलता है। तो ये 4 व्यक्ति व्यक्ति हमें उपलब्ध होते हैं और इन्हीं के 4 के एनालिसिस से हम जो है व्यक्तित्व की पूरी समझ को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो सबसे पहला जो श्लोक है वह धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है, और धृतराष्ट्र के जो है एक, अगर हम इंडिविजुअल माने, मैंने पहले कहा कि धृतराष्ट्र एक कलेक्टिव जो है समझ को भी बताता है, क्योंकि राष्ट्र को धारण करने वाली शक्ति है। ये चर्चा मैं जब कलेक्टिव की बात करूंगा तो मैं रखूंगा, लेकिन अभी मैं धृतराष्ट्र को जो है एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ हुआ है। तो पहला जो हमारा पात्र है जिसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे वह है धृतराष्ट्र। व्यक्तित्व विश्लेषण से पहले मैं एक और बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो कि आगे 13वें अध्याय में और मैं शायद मेरा कनेक्शन जो है कुछ डिस्टर्ब हो गया था, कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ गया था। मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अभी धृतराष्ट्र की जो है उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करता हूँ। तो धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के विश्लेषण को यदि हमें समझना है तो हमें उसके उस स्टेटमेंट को समझना होगा और उस स्टेटमेंट से उसके व्यक्तित्व को हम स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको स्पष्ट करने से पहले एक बात जो आप लोगों के सामने मैं रख दूं, जो भगवद गीता में भी है और जो भारतीय चिंतन की मूल अवधारणा भी है, वह ये है कि प्रकृति जो है, प्रकृति का मतलब केवल ह्यूमन सेंट्रिक नहीं, ये पूरा जो कॉस्मिक, ये पूरा यूनिवर्स है, इसको नेचर कहा गया है। तो ये जो नेचर है ये त्रिगुणात्मिका है, एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स की चर्चा की गई है, जिसको हम सत, रज और तम के नाम से जानते हैं। और ये सत, रज, तम की जो है चर्चा भगवद गीता में भी हुई है और प्रकृति के संदर्भ में इसकी चर्चा हुई है। जो मूल प्रकृति है वो यही है। तो इसके कैरेक्टर को भी हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन सामान्यतः मैं बता दूं
कि सत्व जो है वह प्रकाशक है, रज जो है वह उसमें एक्टिवेटर है, और जो तम है वह मास का काम करता है, द्रव्यमान का काम करता है। तो किसी तत्व में जो है ये तीन चीज़ें होती हैं। तो सत्व जो है प्रकाशक है, यानी कि कोई वस्तु जो है हमें तभी दृश्य होती है जब उसमें सत्व की मात्रा होती है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो है या दिखाई देने के लिए जो है उसमें सत्व की मात्रा आवश्यक है। रज जो है उसमें क्रियाशीलता को बताता है, और तम जो है उसमें द्रव्यमान को लाता है। तो ये तीन जो गुण है ये व्यक्ति के संदर्भ में भी है और समष्टि के संदर्भ में भी है। तो दोनों चीज़ों में जो है ये गुण देखने को मिलता है। और चूंकि भारतीय चिंतन की एक जो बुनियादी अवधारणा रही है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडम, यदि हमने अगर किसी पर्टिकुलर एक कण को समझ लिया तो हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, यानी जो पिंड के अंतर्गत है वही ब्रह्मांड की। यदि हम पिंड के फंक्शन को समझ लेते हैं, उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं और उसके प्रभाव इंपैक्ट को समझ लेते हैं तो हम इस पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं, ऐसी एक धारणा है। तो जो एक पत्थर में है वही पेड़ में है, वही एक पशु में है, वही प्राणी जगत में है, और वही उस इस पूरे ब्रह्मांड में है। तो वो जो गुण है जिसको सत रज तम के नाम से जाना जाता है, यह मूल प्रकृति है और इसी के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चर्चा एक और यहाँ पे जोड़ देना चाहूँगा, क्योंकि चूंकि आज जो है हमारी आधी भौतिक दृष्टि है तो हमें ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि जो पेड़ में है वो मेरे मुझ में कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि जो डिग्री ऑफ कंसियसनेस, जो डिग्री चेतना के स्तर जो हैं उसके न्यूनाधिक से, उसके कम होने से और अधिक होने से थोड़ा सा व्यवहार डिफरेंट हमें दिखता है। यानी कि पत्थर में भी जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो एक इंसान के अंतर्गत हो रहा है, जो एक पशु के अंतर्गत हो रहा है, जो एक वृक्ष के अंतर्गत हो रहा है, सब में वो मूल फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है सब में वो चल रहा है। लेकिन चेतना के अंश के अधिक और कम होने से जो है उसका व्यवहार अलग दिखता है। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन अगर सूक्ष्म स्तर पे जाकर यदि आप किसी मटेरियल पार्ट को भी यदि आप समझ लें तो आप जो है एक ह्यूमन के भी समझ को पूरी तरीके से जान सकते हैं। और इसी आधार पे जो है जो एंशियंट हमारे ऋषि थे उन्होंने कहा कि यदि हम स्वयं को समझ लेते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड को समझ लेते हैं। मनोविज्ञान में भी इस तरह की अंतर्दर्शन की विधि जो है देखने को मिलती है। जब मनोविज्ञान फिलॉसफी के से जो है अभी संबंधित था, संबंध में था, तो उस समय जो है अंतर्दर्शन विधि जो है प्रयुक्त होती थी। अभी भी इसका जो है अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग होता है। तो ये रही बात की जो है तीन गुण जो हैं ये मूल प्रकृति हैं, और इन मूल प्रकृति के आधार पर ही जो है हमारी व्याख्या चलेगी। तो अब थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र जो है वह क्या है। तो वह जो है एक उसकी जो है दो प्रकार के अंधत्व को यहाँ पर दिखाया गया है। एक अंधत्व जो है वो है फिजिकल, उसका अंधत्व है, और दूसरा अंधत्व है मोहजन्य अंधत्व। यानी दो प्रकार के अंधत्व को जो है वह धारण किए हुए है। और जो तम गुण है, तम मैंने तीन गुणों में जो तम की चर्चा की, तो वह तम जो है वह अंधत्व का भी कारण है। वह अंधेरा और अंधत्व जो है इन सभी चीज़ों को बताता है। तो जो हमारा धृतराष्ट्र जो है उसके व्यक्तित्व में जो है तम प्रधान है, वह तम गुण को जो है धारण किए हुए। और वैसे भी मैंने कहा कि जो धारण करने की शक्ति है वह तम से ही आती है। यदि हमारे शरीर में, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमारे जब यहाँ सत रज तम की चर्चा हुई है तो इसमें किसी प्रकार के किसी को जो है विशेष और किसी को निकृष्ट कहने की के आधार पे इस तरह के वर्गीकरण नहीं हुए हैं। तो बड़ा और छोटा, या हम किसी को उच्च कहें किसी को निम्न कहें, इस तरह के जो है विभेद यहाँ पर नहीं है। प्रकृति में हर किसी चीज की आवश्यकता है। तो जब हम तम कहते हैं, यदि मैं अपने शरीर से अगर तम को हटा दूं तो मेरे बॉडी के जो पार्टिकल हैं वो अदृश्य हो जाएंगे। वो जो हमारे अंदर जो तम रूपी जो गुण है वही मेरे इस शरीर को धारण किए हुए है, वो द्रव्यमान के रूप में जो है शरीर को बनाए हुए है। तो इसलिए तम का अपना महत्व है। सत्व क्या करता है,
अगर केवल और केवल तम ही हो जाता तो फिर मैं जो है एक ऐसे अंधकार के रूप में प्रकट होता जिसको दिखाई जिसको कोई देख नहीं सकता। तो इसलिए सत्व का भी गुण है। तो मेरे अंदर जो सत्य की मात्रा है वही मुझे इस जगत में दिखाता है और मुझे जो है मैं जगत को देख पाता हूँ। तो सत्य जो है वह देखने और दिखाने का काम है, वहीं तम जो है पूरे इस पिंड को जो है एकत्रित किए हुए है, संगठित किए हुए है, एक अपने आप में बांधे हुए है। तो तम भी अपने आप में एक आवश्यक गुण है। तो मैं जब धृतराष्ट्र की चर्चा करूंगा, जब मैं दुर्योधन की चर्चा करूंगा, जब मैं अर्जुन की चर्चा करूंगा, तो मैं किसी को जो है उत्कृष्ट और निकृष्ट के जो है बाइनरी में रख के नहीं बात करूंगा। मेरा उद्देश्य केवल केवल है कि जो है वो मैं उसको बताऊं, यथारूप यथास्थिति, केवल और केवल इसी चीज को जानना, न कि उसके विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालना। तो अब हम आते हैं कि तम का प्रतीक है धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंधत्व है, उसके अंदर जड़ता है। अब एक और मैंने शब्द का प्रयोग किया, जड़ता शब्द का प्रयोग। क्यों मैं जड़ता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? क्योंकि जो तम प्रधान व्यक्तित्व होता है वह क्रियाशीलता उसके अंदर कम होती है। क्रियाशीलता का कारण यह है कि क्रियाशीलता जो है वह रज और सत्व में जो है ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो जो तम प्रधान है उसमें क्रियाशीलता की जो है कमी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि वह जो धृतराष्ट्र है वह क्या कर रहा है, कह रहा है किम कुर्वन्ति संजयः, वह पूछ रहा है, वह जानना चाह रहा है। तो वह किसी और से जानना चाह रहा है, वह स्वयं पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा है, वह स्वयं जो है इस ज्ञान के लिए, इस जानकारी के लिए खुद उद्योग नहीं कर रहा है, वह किसी पे डिपेंड हो रहा है कि चल मुझे बता दे। अब यहाँ पर जो है मैं ये ऐसा आक्षेप क्यों लगा रहा हूँ कि वह ऐसा नहीं करना चाहता, इसका मुख्य कारण यह है कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में ही व्यास जी जब धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए तो वहाँ पर उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें मैं वो दृष्टि दे देता हूँ जिससे तुम युद्ध को साक्षात अनुभव करो, देख सको। तो वो साक्षात अनुभव करने के लिए उत्सुक नहीं है। वह कहता है कि भाई मैं जो है अब चूंकि जीवन भर अंधत्व को धारण किए हुए हूं तो अब आखिरी समय में मैं कुल नाश को नहीं देखना चाहता, इसलिए वह जो है उस दृष्टि को नहीं लेता, वह स्वयं जो है उस युद्ध को साक्षी नहीं करना चाहता, वह किसी और के माध्यम से साक्षी होना। तो ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ता की निशानी है। तो जो तमप प्रधान व्यक्तित्व है, जो तमप प्रधान व्यक्तित्व है उसमें ये हमें जड़ता देखने को मिलती है। जड़ता देखने का मतलब ये है कि उसमें अक्रियाशीलता। अगर जानकारी मिल गई, जानकारी चाहिए क्योंकि अंधत्व है तो जानकारी तो चाहिए, अंधा देखना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर वह अकर्मण्य होकर देखना चाहता है तो ये एक समस्या है और ये धृतराष्ट्र के साथ है। तो ये जो उसके तमप प्रधान होने के, अगर उसमें रज के गुण होते, रज की मात्रा भी होती, तो वह केवल और केवल दूसरों के भरोसे नहीं देखता, वह संजय के माध्यम से केवल नहीं देखता, वह उसके लिए उद्योग करता। तो ये तम प्रधान जो व्यक्तित्व है इसमें जो है एक जो हमें जानने के लिए एक जो लक्षण हमें मिल रहा है वह ये है कि उसके अंदर एक प्रकार की जड़ता है और उसके अंदर एक प्रकार की अकर्मण्यशीलता है। वह स्वयं कर्म नहीं करना चाहता, वह किसी और से कर्म कराना चाहता है। वह जो है कहीं ना कहीं अपने आप को शिथिल किए हुए है, वह मेहनत नहीं करना चाहता। तो ये एक गुण हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो इस श्लोक का प्रारंभ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सामान्यतः वह जो क्षेत्र था वह कुरुक्षेत्र था, लेकिन कुरुक्षेत्र के विशेषण के रूप में धृतराष्ट्र उसको धर्म क्षेत्र कहता है। अब धर्म कुरुक्षेत्र को जो है धर्म क्षेत्र के रूप में विशेषित करना, ये भी जो है एक तम प्रधान व्यक्तित्व के गुण के रूप में हम समझ सकते हैं कि वह जो है उसमें एक प्रकार की कुटिलता आती है, और कुटिलता और एक अज्ञानता भी आती है, जो कि वह कुरुक्षेत्र जो कि कर्म आधारित क्षेत्र था, जो एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र था, उसको वह धार्मिक एक क्षेत्र के रूप में विशेषित करता है, उसकी स्थापना जो है वह धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। तो जो नहीं है उसको उसके ठीक उसके विपरीत बताना, यानी कि
अगर तम प्रधान व्यक्तित्व का एक गुण होता है कि वह ठीक विपरीत चीजों को देखता है, तो एक संघर्ष क्षेत्र को जब वह धर्म क्षेत्र के रूप में जो है परिभाषित करता है, बताता है, तो ये जो एक व्यक्तित्व निकल कर आता है, यह हमें तम प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व से हमें जो दूसरी जो समझ देखने को मिलती है वह ये है कि वह जो है उसको जो है अलग रूप में देखता है या उसके ठीक विपरीत रूप में देखता है। तो कुरुक्षेत्र को वह धर्म क्षेत्र के रूप में देखता है, ये उसकी एक कहीं ना कहीं एक अज्ञानता का भी प्रतीक है, एक कुटिलता का भी प्रतीक है। कुटिलता का प्रतीक इसलिए, इसका विश्लेषण भी मैं जरूर यहाँ पे करना चाहूँगा, ये आगे जो है अगले वाले उसके वाक्य में ये स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सवः जो दूसरे वाक्य का जो एक लाइन है वह कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पर जो युद्ध की इच्छा रखने वाला जो वो बता रहा है कि जो दोनों सेनाएं हैं, जिसमें आगे एक और विशेषण देकर वो बताएगा, अपना पराया का भी भेद करेगा, तो वो जो दोनों सेनाएं हैं उन दोनों सेनाओं को वो कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले। अब यहाँ पर जो है ये धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व को समझने में ये बहुत ही एक सुंदर सूत्र है, इसको जो है जरूर ध्यान दे लेना चाहिए कि क्यों जो है वो कह रहा है कि समवेता युयुत्सव। देखिए, एक तो उसकी अज्ञानता तो है ही, उसे उसके अंदर जड़त्व तो है, अज्ञानता है, लेकिन उसके अंदर एक कुटिलता भी है। कुटिलता किस प्रकार के है? तो कुटिलता जो है इस प्रकार की है कि वह दोनों पक्षों को कह रहा है कि युयुत्सव है, युद्ध के लिए इच्छुक हैं, जबकि यह ऐतिहासिक रूप से जो है सिद्ध है कि जो पांडव पक्ष है उस पर युद्ध थोपा गया था। तो जब हम ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि इसे पता है कि मेरे पुत्र के चलते जो है ये पूरा जो संघर्ष की स्थिति, ये पूरी एक त्रासदी की स्थिति ये हुई है, तो वह उस संघर्ष को जो है एक प्रकार से जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है, उसको एक प्रकार से न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। और इस न्यायोचित ठहराने की प्रक्रिया में जो है वह कहता है युयुत्सव, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो युयुत्सव कह के जो है वह इस तरीके से एक ऐतिहासिक रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो दोनों पक्ष हैं, ये दोनों पक्ष युद्ध के लिए इच्छुक हैं। ऐसा नहीं कि मेरा पुत्र जो है, जो दुर्योधन है, वही केवल युद्ध की इच्छा रखता है, ये दोनों लोग युद्ध की इच्छा रखते हैं। तो वह मिस इंटरप्रिटेशन जो है, यानी कि चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, यह भी तम प्रधान व्यक्तित्व का एक हमें गुण के रूप में देखने को मिलता है। तो एक तो जड़ता हो गई, एक जो है उसका एक अंधत्व हुआ कि चीजों को सही नहीं देखना, तीसरा जो है चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, उसको गलत तरीके से जो है उपस्थापित करना, चौथा एक जो इसी के नीचे जो अगले पंक्ति है श्लोक की, उसमें कहता है ममाकाः पांडवाश्चैव। तो इस पंक्ति में भी जो है उसके व्यक्तित्व को समझने का हमें अवसर प्राप्त होता है। देखा जाए तो वो जो पूरी सेना थी, वो मुख्य रूप से जो युद्ध था वह एक परिवार का युद्ध था, वो कुरुवंश का युद्ध था, क्योंकि वो सारे के सारे कौरव थे, क्योंकि कुरुवंश में जो पैदा हुए हैं वो कौरव हैं। तो देखा जाए तो पांडुपुत्र और ये धृतराष्ट्र पुत्र दोनों कौरव हैं, लेकिन यहाँ पर वह भेद कर रहा है। भेद क्या कर रहा है कि मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में, ठीक है। तो ये जो एक तम प्रधान व्यक्तित्व का जो एक गुण होता है वह होता है कि उसके अंदर भेद, कहीं ना कहीं ये जो उसकी अलग कर, ये जो उसकी भेद करके देखने की जो दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म देता है। तो ये जो है धृतराष्ट्र के संदर्भ में या एक तम प्रधान व्यक्तित्व के संदर्भ में जो है ये हमें पता पड़ा कि उसके जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर एक जड़ता होगी, एक शिथिलता होगी, उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होगा, वह खुद कुछ नहीं करना चाहेगा, जिज्ञासु होगा, जानना चाहेगा, लेकिन उस जिज्ञासा में जो है संपूर्ण रूप से जानने का आग्रह नहीं, उसमें कौतूहल होगा। देखिए, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा और आने वाले समय में जो है अर्जुन की जिज्ञासा में हमें एक बुनियादी अंतर जो देखने को मिलेगा वह स्पष्ट होगा कि जिज्ञासा भी अलग अलग तरीके की होती है। तो यहाँ पर जो हमें अर्जुन ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा जो देखने को मिलती है वह उसमें
जिज्ञासा कम, एक अपने आप में निर्णय ज्यादा है। और निर्णय क्या है कि ये दोनों युद्ध के इच्छुक हैं और ये मेरे हैं और ये पांडुपुत्र के हैं, और ये जो पूरी जो लड़ाई है यह एक धार्मिक है, मतलब इसमें जो है किसी प्रकार का कुछ गलत नहीं है। वो पूरे इस सिनेरियो को, पूरे इस परिदृश्य को जो है एक बिल्कुल अलग ही डायमेंशन पे ले जाके देखना चाहता है। तो ये जो है पूरी व्याख्या, एक व्यक्तित्व की व्याख्या जो हुई, वह विश्लेषण जो हुई वह तमप प्रधान व्यक्तित्व की हुई। अब इसके बाद जो है ठीक इसके अपोजिट हमें एक जो पात्र, जो नेक्स्ट दूसरा श्लोक है भगवद गीता का, वह है संजय का। चूंकि इन्होंने संजय से ही प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने, तो इसलिए संजय के ही जो है हम उत्तर में उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो संजय के जो है व्यक्तित्व से, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि किसी के व्यक्तित्व को यदि समझना है तो उसके आरंभिक जो प्रारंभिक जो शब्द हैं, जो सहज शब्द हैं, उसके हम विश्लेषण से उसकी उसके व्यक्तित्व को ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं, ज़्यादा ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसीलिए जो जिन चार कैरेक्टर्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिन चार पात्रों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन चारों पात्रों के पहले पहले श्लोक, जो पहला विवरण है, पहला जो कथन है, उन्हीं कथनों को मैंने लिया है ताकि उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक हमें देखने को मिल जाए। तो दूसरा जो इसमें कैरेक्टर है, जो दूसरा पात्र है जिससे धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, वह है संजय। अब संजय के जो है शब्दों को यदि हम विश्लेषण करें, उसकी बातों के का विश्लेषण करें, तो उसका व्यक्तित्व भी हमें समझने का मौका मिलता है। तो उसके व्यक्तित्व में जो है, जो द्वितीय श्लोक है उसी में संजय के व्यक्तित्व का हमें दर्शन मिलता है। तो उसका संजय ने कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। राजा दुर्योधन ने किस चीज को देखा? पांडवों के इस रचनायुक्त, इसकी व्यू रचनायुक्त, इसकी जो है विशाल सेना को देखा और किससे जाके कहा? आचार्य के पास जाकर अपनी बात को कहा। ये श्लोक का अर्थ है, ये जो है स्टेटमेंट है संजय का। अब हम इस स्टेटमेंट के माध्यम से संजय के जो है व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस संजय की जो पूरी प्रकृति है वह सत्य प्रधान है। सत्य प्रधान क्यों है? क्योंकि इसके पास दृष्टि है, देखने की क्षमता है। देखने की क्षमता जिसमें है, जिसमें दर्शन है, वह सत्य प्रधान है। जो चीजों को देख सकता है, जो चीजों को समझ सकता है, जो चीजों को व्यक्त कर सकता है, बता सकता है और एक तम प्रधान व्यक्ति को भी बता सकता है, वह जो व्यक्तित्व है वह सत्य प्रधान है। तो सत्य प्रधान व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है हमें और थोड़ा सा समझने का मौका मिल रहा है कि सत्य प्रधान जो है, जिसको हम एक ज्ञान रूप भी कहते हैं, क्यों ज्ञान रूप? इसलिए क्योंकि वह चीजों को दिखाने में समर्थ है। उसके पास ये शक्ति होती है कि वह चीजों को दिखा सकता है। देखा जाए तो आज के समय में जितने एकेडमिशियन हैं, जितने रिसर्चर हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, उनमें ये सत्व प्रधान गुण होता है, तभी वो चीजों का विश्लेषण कर पाते हैं, वह चीजों का, वस्तुओं का या किसी कॉन्सेप्ट्स का जो है वह अच्छे तरीके से विश्लेषण कर पाते हैं। तो जो अध्यापक वर्ग है, जो वैज्ञानिक वर्ग है, वह सत्य प्रधान होता है और सत्य प्रधान होने के कारण जो है वह चीजों को देख पाता है। तो हम सभी अध्यापक भी जो है, जो अध्यापक हैं, जो नेचुरल अध्यापक हैं, जो जिनके अंदर एक अध्यापकत्व का गुण है, वह निश्चित रूप से सत्व प्रधान है। और जब सत्व प्रधान होता है तो वह चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखता है, और जब हम स्पष्ट रूप से देखेंगे तभी हम लोगों को, चाहे अपने विद्यार्थियों को, चाहे समाज के हर वर्ग को जो है स्पष्ट रूप से जो है चीज़ों को दिखा पाएंगे। तो इसीलिए जो सत्व प्रधान प्रकृति का की विशेषता है वह ये महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर क्या है? देखने की क्षमता है, क्रियाशीलता है। यह तम की तरह जो है अकर्मण्य नहीं है, यह पूरी तरह से सावधान होके देख रहा है, इस पूरे परिदृश्य को देख रहा है। तो इसलिए इसके अंदर अकर्मण्यता नहीं। जब वह पूरे एक अपने राजा को पूरे घटना की इतिवृत्ति सुना रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर अकर्मण्यता का अभाव होगा, उसके अंदर पुरुषार्थ का जो है भाव होगा,
और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर एक दृष्टि है जो कि चीजों को सही रूप से, ये भी तो बात है कि अगर संजय को ही अगर ये दृष्टि मिली तो यानी कि मतलब है कि वह यथार्थ प्रस्त होता है, वह जो चीज जैसे है उसको वैसे बताने में सक्षम है, और इसीलिए संजय जो है वह सत प्रधान व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं एक प्रतीक है कि वह जो जैसा है उसको वैसा देख सकता है और दिखा भी सकता है। अब देख सकता है ये तो सही है कि उसके पास दृष्टि है इसलिए वह देख सकता है, लेकिन दिखाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हम अध्यापकों के लिए भी और जो व्यावहारिक समाज है जिनको व्यवहार में भी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है, उनको भी ये चीज़ जरूर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जो सबसे पहला जो संजय एक विशेषण पद का प्रयोग करता है कि राजा पद प्रयोग करता है किसके लिए, दुर्योधन के लिए, तो इससे हमें संजय के की विशेषता को समझने का मौका मिलता है। देखा जाए तो यह सर्वविदित है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय दुर्योधन जो है राजा नहीं थे, युवराज थे, राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी क्या संजय को पता नहीं है कि दुर्योधन जो है वह राजा नहीं है, तो फिर राजा के विशेषण से उसे विशेषित क्यों कर रहा है, ऐसा जो है विशेषण क्यों प्रयोग कर रहा है संजय, ये जब हम पता करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्य प्रधान के व्यक्तित्व को जो है हमें समझने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर जो है राजा के रूप में एक विशेषण प्रदान करना दुर्योधन को, ये संजय के व्यक्तित्व को हमें दिखाता है। तो कैसे दिखाता है, देखिए जो उसे पता है कि धृतराष्ट्र जो है वह क्या है, एक अंधत्व, एक जड़ता का शिकार है, और उस जड़ता, तो एक जो जड़ व्यक्ति है उस जड़ व्यक्ति तक आपको अपनी बातें यदि पहुंचानी है तो उसे जो उसकी जड़ता का जो कारण है या उसकी जड़ता में जो सबसे मुख्य प्रयोजन है उससे ही हमें अपनी बात को शुरू करनी चाहिए। इसलिए इसने जो है संजय ने जो अपनी बातें शुरू की वह दुर्योधन से अपनी बात शुरू की, न कि किसी अन्य चरित्र से अपनी बातों को शुरू की। उसे पता है कि धृतराष्ट्र का अंधत्व का मूल कारण उसका पुत्र मोह है, तो पुत्र मोह से जो है, तो मोह को यदि किसी के अज्ञानता को यदि हमें जो है उसको कहीं ना कहीं से अगर इंगित करना है या उसे कुछ बताना है किसी अज्ञानी व्यक्ति को, तो हमें इस बात का समझ रखना चाहिए कि उसकी अज्ञानता क्यों है, और यदि हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि उसकी अज्ञानता किस कारण से है तो ये जो विषय है उसको हमें पास ले जाने के लिए आवश्यक पड़ता है। यदि संजय जो है सीधे अर्जुन से अपनी बातों को शुरू करता तो धृतराष्ट्र जो पहले से ही मोहग्रस्त है उसमें ज्यादा उत्सुक नहीं होता, उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक नहीं होता। तो ये हमें इस सूत्र को कहीं ना कहीं हम सभी को व्यवहारिक रूप से याद कर लेना चाहिए कि यदि हमें अपनी बात को, कई बार होता है कि कई ऐसे जो है जो पूरी तरह से एक कंडीशन माइंड लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं एक अंधत्व के से ग्रसित होते हैं या किसी प्रकार की मूढ़ता से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों को जब हमें अपनी बात बतानी हो तो हमें ये जो स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी का पालन भी करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, तो ये स्ट्रेटजी क्या है कि उसकी उसका जो मोह है उस मोह को ही वो सबसे पहले उपस्थापित कर रहा है, तो उसका मोह किससे है, दुर्योधन से है, तो वह सबसे पहले उसको जो पूरे उस युद्ध क्षेत्र में जो सबसे पहले जो चयन उसने अपनी बातों को रखने के लिए किया है वह है दुर्योधन का, और दुर्योधन को भी बताते समय उसने जो है पूरी एक जो एक विशेषता का ध्यान उसका जो है ध्यान रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातों से ये फिर जानने के उत्सुक ही ना बन पड़े। तो एक अध्यापक के लिए भी ये बहुत बड़ा गुण है कि वह जिन विद्यार्थियों का को अध्यापन करा रहा है उन विद्यार्थियों के उस भाव तल पे वहां तक पहुंच जाए जहां से वह आगे की यात्रा कर सकें। तो धृतराष्ट्र जो है आगे के परिदृश्य को देखने के लिए उत्सुक हो, इसके लिए वह उसके सबसे जो भाव के नजदीक तत्व है उस दुर्योधन से अपनी बात को कहना शुरू किया। और ये कहीं ना कहीं जब हम लोग इस टीचिंग में भी इस चीज को यूज करते हैं, जब हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं तो उसके पीछे भी यही धारणा है कि जो चीजें हमारे पास है
है, हम अगर अध्यापक अगर अपनी टीचिंग को अगर समझ रहे हैं तो हम उसी से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो है संजय मैंने पहले ही कहा कि वह एक सत प्रधान है, वह पूरे अध्यापक के गुण है, तो उसने जो है धृतराष्ट्र के जो सबसे नजदीक है उसके अंधत्व का भी कारण है उस बात से ही उसने बात को आगे बढ़ाया। उस पूरे जो है चूंकि धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या था, धृतराष्ट्र जानना चाहता था कि किम कुर्वंती संजय, ये दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों में से इसने जो सबसे पहले चयन किया वह दुर्योधन के विषय में बात कह के चयन किया, और दुर्योधन के विषय में चयन करने का पीछे वही कारण था कि यह जो है उसके भाव से जुड़ा हुआ था, इसके अत्यंत नजदीक था, उसको ज्ञात था और उसे ज्ञात से अज्ञात की यात्रा करानी थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमें संजय के व्यक्तित्व में हमें दूसरी बात देखने को मिलती है कि उसे जो है पता है कि अपनी बातों को सामने वाले तक कैसे पहुंचाना है। तीसरी बात जो है अब पहुंचाना है तो उसने सबसे पहले जो है रणनीति के रूप में दुर्योधन की बात उसने छेड़ी। तीसरी बात जो है उसने क्या कहा कि दुर्योधन को भी जो है उसने राजा की संज्ञा उपाधि दे दी कि थोड़ा सा और ज्यादा धृतराष्ट्र कंफर्टेबल हो जाए। तो जो सत्य प्रधान जो व्यक्तित्व होता है उसे पता होता है कि यदि मुझे किसी चीज को बताना है तो सामने वाले की मनस्थिति को हम अच्छे तरीके से समझ लें और उसी के अनुसार अपनी बातों को कहें। कई बार लोगों को लगता है कि इसमें तो एक प्रकार की जो है कुटिलता है, लेकिन मैं इसको कुटिलता इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि इसमें मुख्य प्रयोजन जो है हमें अपनी बातों को सामने तक पहुंचाना है। जिस व्यक्ति से हम अपनी बात को कह रहे हैं उस व्यक्ति तक जो है हमारी बात उसको पहुंच जाए, उसको हम कन्वे कर दें, ये मायने रखता है। तो यहाँ पर जो संजय का व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व में हमें ये भी गुण देखने को मिलता है कि वो दूसरे पहली बात की वह उसको देखना आता है, उसके बाद जो है उसको दिखाना भी आता है कि कैसे चीज़ों को हम दिखाएं, और तीसरी बात कि सामने वाले की मनस्थिति को भी समझता है। क्योंकि अगर एक जड़ व्यक्ति के सामने यदि वो अगर इस तरीके से बात नहीं करता तो शायद हो सकता है कि धृतराष्ट्र पूरे भगवत उस गीता को सुनने में और उसको जानने में उसकी उत्सुकता नहीं रहती, इसलिए उसको कंफर्ट कर रहा है, उसको जानने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसके अंदर चैतन्यता का स्फुरण कर रहा है। और यही एक सत्व गुण प्रधान एक अध्यापक के अंदर यह गुण हमें देखने को मिलता है। तो ये इसके व्यक्तित्व का पार्ट है। तो चार चीजें जो है हमें संजय के व्यक्तित्व से जो एक सत्य प्रधान व्यक्तित्व है उससे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले उसके अंदर देखने की क्षमता, स्पष्ट देखने की क्षमता, चीजों को यथार्थ रूप में देखने की क्षमता, उसके बाद जो है चीजों को प्रस्तुत करने की क्षमता। वह केवल देखना ही नहीं जानता, वह उसे बताना भी जानता है, जो उसने देखा उसको बताना भी जानता है। तीसरी बात, वह सामने वाले की मनस्थिति को समझता भी है कि उस मनस्थिति के अनुसार जो है चीज़ों को बता पाता है। तो ये जो सत्गुण की जो है, और बाकी जो है इसके दार्शनिक में हम जाएंगे तो सत्व प्रधान गुण के अंतर्गत जो है वह प्रकाशक होता है, वह हल्का होता है, ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें सत्गुण के अंतर्गत मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इसका संजय में भी देखने, क्योंकि अगर आपके अंदर हल्कापन नहीं होगा, आप हल्कापन मतलब ग्रेविटी के अर्थ में नहीं, मैं हल्कापन का मतलब यह है कि चीज़ों को आप कितने अच्छे से जान लेते हो और जानने के लिए आप उसके साथ कितने जल्दी जो है उसको आत्मसात कर लेते हो। बहुत ज़्यादा कोई अगर भारी होगा, एक रिजिडनेस जिस तरह उसके अंदर आएगा, तो वह चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से ना जान पाएगा ना उसको आत्मसात कर पाएगा। तो ये सत्व प्रधान जो है व्यक्तित्व के कुछ हमें गुण हमें देखने को मिलते हैं। अब तीसरा जो संजय के ही शब्दों में जो बात आगे बढ़ती है और उसके बाद जो है गुण हमें देखने को मिलता है, वह गुण हमें तीसरा जो व्यक्तित्व है वह दुर्योधन के रूप में हमारे सामने आता है। तो दुर्योधन के व्यक्तित्व को यदि हमें समझना है तो दुर्योधन का जो व्यक्तित्व है वह है तम प्रधान रजोगुण। तम प्रधान
प्रधानतम गुण तम प्रधान रहेगा, लेकिन उसमें जो है रज की मात्रा, लेकिन जो यानी कि जो विशुद्ध सत्व है और विशुद्ध तम भी जो है बैठ गया, आलस्य कहिए, और यानी कि वह जो है उसके अंदर अकर्मण्यता है, विशुद्ध सत्व भी जो है बहुत ज्यादा। हाँ, ये भी एक बात यहाँ पर मैं इंगित कर देना चाहूंगा कि जो जितना ज्ञानी होता है, ज्ञान जैसे जैसे हमारे अंदर आता है, हम कर्म से मतलब इतर होते हैं, यानी हमारा ज्ञान जो है ये पैरेलल जो है हमारे कर्म को भी काउंटर करता है। तो इसलिए जो है व्यक्तित्व के संदर्भ में आगे जब हमें चर्चा चलेगी कि किस तरह हम अपने रज को बढ़ाएं, कि एक अध्यापक जब एक ज्ञान का उपासक व्यक्ति होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है जो एक श्रम रूपी पुरुषार्थ है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हम अध्यापकों में ये गुण देखने को मिलता है कि हम जो ज्ञान के उपासक हैं और वो जो है श्रम से जो है मतलब परहेज करते हैं। तो संजय भी जो है क्या है कर रहा है, वह युद्ध न कर रहा है, न युद्ध भूमि में जा रहा है, वह केवल और केवल देखना जानता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि सत्व प्रधान जो व्यक्तित्व है वह बहुत ज्यादा पुरुषार्थी तो है। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि जो है अध्यापक जो है किस तरीके का मेहनत करते हैं, तो हम जब अपने रिसर्च को कर रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, नए नए उसमें से सूत्रों को निकाल रहे हैं, ये भी पुरुषार्थ है, लेकिन इसमें श्रम जो है, जो हम कहते हैं कि जिसमें पसीना निकले, इस तरह के श्रम का अभाव है। तो सत्व प्रधान व्यक्तित्व में जो है ये गुण हमें देखने को मिलता है। अब रही बात जो है हम तीसरे कैरेक्टर जो हमारा पात्र है, हम दुर्योधन के व्यक्तित्व की हम चर्चा करते हैं, और दुर्योधन के व्यक्तित्व में जो है हमें ये बात देखने को मिलता है कि उसके व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण हैं। तो दुर्योधन का जो व्यक्तित्व है वह तमक प्रधान है, यानी उसके अंदर भी एक प्रकार का अंधापन है, और उसके पास भी जो है आलस्य है, उसके पास भी जड़ता है, और लेकिन फिर भी जो है चूंकि रज गुण भी उसके अंतर्गत है, तो बिल्कुल जो है वह धृतराष्ट्र की तरह उसका व्यक्तित्व नहीं देखने को मिलता। तो दुर्योधन के ही जो है शब्दों से हम उसका विश्लेषण करते हैं, जो कि संजय ने दुर्योधन के शब्दों को बताया है। तो उस श्लोक को यदि हम देखते हैं तो उसमें है कि पश्यैताम पाण्डुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये तीसरा श्लोक है, प्रथम अध्याय के भगवद गीता के प्रथम अध्याय का यह तीसरा श्लोक है। इसमें दुर्योधन अपनी बात करता है। तो दुर्योधन के शब्दों के माध्यम से हमें दुर्योधन के व्यक्तित्व को समझने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहां पर जब हम दुर्योधन के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें जो है वह जो है दिखा रहा है, ठीक है, पश्यताम, वह जो है देख नहीं रहा है, वह दिखा रहा है, और दिखा रहा है। देखिए, जिसके अंदर जो है, अगर हमारे अंदर एक प्रकार का अगर अज्ञानता रूपी अंधत्व है, तो हम कहीं ना कहीं दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं, और ये दुर्योधन के अंदर चूंकि क्रियाशीलता है, अगर ये पूरी तरह से तमक प्रधान होता तो बिल्कुल जो है दूसरे पर आश्रित हो जाता कि तुम मुझे दिखा दो, लेकिन ये पूरी तरह से तमक प्रधान नहीं है, ये रजो प्रधान है, मतलब इसके अंदर एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है। रज का काम क्या है, मैंने पहले ही बताया कि रज जो है वह एक्टिवेटर का काम करता है, क्रियाशीलता का काम करता है। तो इसके अंदर एक्टिविटी तो है, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर अविद्या या अज्ञानता या अंधत्व जो है इसके अंदर है। तो इसलिए जो है इसका पहला जो है शब्द जो है वह पश्यताम, वह दिखाने में उत्सुक है, वह देखने में उत्सुक नहीं है। क्योंकि जब आप देखने में उत्सुक होते हो तो फिर आपको सत्य के हो सकता है कि आपको सत्य को समझने का अवसर मिल जाए, लेकिन जब अंधत्व है, ये एक प्रकार का जो है जड़त्व है, तो जड़त्व जो है आपको समझने नहीं देगा, इसलिए जो है आप दूसरों को ही समझाने में उत्सुक होते हो। तो दुर्योधन के जो है व्यक्तित्व में यह हमें सबसे पहला इसकी विशेषता हमें देखने को मिलती है कि वह जो है दिखाने का प्रयास कर रहा है, और किसको दिखाने का प्रयास कर रहा है, यह भी बड़े कमाल की चीज है। वह अपने आचार्य को दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसको दिखाने का प्रयास कर रहा है, तीसरे श्लोक में वह अपने आचार्य को दिखाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि जिससे हमने सीखा। आचार्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मर्म चक्षुओं का, दो प्रकार के चक्षु कही गई हैं, एक चर्म चक्षु और एक मर्म चक्षु, तो जो हमारे मर्म चक्षुओं को खोले उसको हम अध्यापक कहते हैं, उसको हम टीचर कहते हैं। तो ऐसे टीचर के प्रति जो है वह जाकर क्या कह रहा है कि देखो, मतलब एक अध्यापक को, इसका एरोगेंस देखिए कि वह अध्यापक को दिखा रहा है,
तो ये जो रजोगुण है, क्योंकि इसमें शौर्य आता है, रज जब आएगा तो आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार का शौर्य आता है, आपके अंदर एक प्रकार का एरोगेंस आता है, और एरोगेंस जब आएगा तो आप जो है अपने अध्यापक को भी जो है दिखाने का प्रयास करने लगते हो। तो ये दुर्योधन के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है कि वह जो है अपने आचार्य को, और किसको दिखाने जा रहा है, अपने आचार्य को। ये भी बड़े कमाल की बात है कि वह अपने अध्यापक को ही, जो हमें हमें दिखाते हैं, जो अध्यापक हमारे जो है ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं, उस अध्यापक को वह जाके दिखा रहा है, उनके जो सामने जो चीजें हैं उसको जो है उसे बता रहा है। तो ये बात जो है एरोगेंस जो है इसके अंतर्गत है। जो तम प्रधान, जो तमाधिक जो है, तम अधिक रजत प्रधान जो व्यक्तित्व है। और उसके बाद जो है एक और बात इसने कही कि दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो ये जो व्यूहाकार खड़ी हुई जो सेना, व्यूढ़ मतलब कहते हैं व्यूह, तो वो जो व्यू आकार रूपी जो सेना है, जो भारी सेना है, इसको देखिए। अब यहां पर जो व्यूढ़ाकार जो एक सेनाओं का जो वर्णन है, क्योंकि यहां पर एक बात स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि महाभारत के युद्ध में 7 अक्षौहिणी जो है सेना पांडवों की तरफ से लड़ी थी और 11 अक्षौहिणी सेना जो है दुर्योधन की तरफ से लड़ी थी। तो सेना की जो है अगर हम संख्या और विस्तार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है दुर्योधन की जो सेना है वह बहुत ही बड़ी है। लेकिन इसकी जो एक प्रकार की मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर तम है, इसको जो है कहीं ना कहीं चीजों में एक अज्ञानता है, इसलिए इसको जो है सामने वाली सेना जो है वह बहुत ही बड़ी दिख रही है। वह उसका उसकी जो व्यूह संरचना, एक और इसमें जो विवरण मिलता है कि चूंकि धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार की जो पूरी एक व्यूह की रचना की थी, सेनाओं को की संरचना की थी कि उसमें कम सेना होते हुए भी वह अधिक दिखती थी। तो ये यानी कि कहीं ना कहीं दुर्योधन के व्यक्तित्व में ये झलकता है कि यदि उसे चाहा जाए तो उसे भ्रमित किया जा सकता है, उसे कहीं ना कहीं उसके बुद्धि में जो है एक प्रकार उसकी दृष्टि में हमें जो है कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न किया जा सकता है। तो धृष्टद्युम्न ने जो है जिस प्रकार के व्यूढ़ की रचना की, जिस प्रकार के सेना के जो है उसकी संगठन किया उसका, उसको देखकर जो है दुर्योधन के मन में ये प्रश्न आया कि ये भारी सेना है। जबकि अगर हम क्वांटिटी के आधार पर देखें, मात्रात्मक आधार पर देखें, तो दुर्योधन की सेना जो है उससे कम से कम 25% जो है अधिक थी और पांडवों से। तो लेकिन फिर भी इसको जो है इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि यह जो है भारी सेना है। तो ये एक प्रकार का भ्रम, इल्यूजन जो है ये हमें तमाधिक रज प्रधान पर्सनालिटी में देखने को मिलता है। तो एरोगेंस हो गया, उसके बाद जो है उसकी दृष्टि में एक प्रकार का भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया, ये हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है एक और जो है इसमें कुटिलता भी है। कुटिलता कैसे है कि जब वो कहता है कि पांडु पुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, यानी कि तुम्हारे जो द्रुपद मित्र हैं, द्रुपद इनके जो है द्रोण के जो है मित्र हैं, महाभारत की कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी तो द्रुपद जो हैं वो भी एक टीचर होते हैं, और वह जो है सॉरी द्रोण जो हैं वह एक अध्यापक हैं और वह जो है द्रुपद के मित्र हैं। तो यहाँ पर जो है दुर्योधन जाके उनसे ये कह रहा है कि तुम्हारे मित्र जो द्रुपद हैं उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने देखो किस तरह की जो है सेना उपस्थापित की। यहां पर एक और चीज उसने कहा कि धीमता शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य ने। देखिए किसी भी अध्यापक के लिए अगर किसी अध्यापक को पैम्परिंग करना है तो यदि उसका जो एक हमें इसके अंदर दुर्योधन के गुण के अंतर्गत पहले तो उसे दिखा रहा है लेकिन पैम्परिंग भी कर रहा है, पैम्परिंग का किस प्रकार से कर रहा है, तो यहां पर वो कह रहा है कि तुम्हारा जो बुद्धिमान शिष्य है, किसी भी अध्यापक के लिए ये बहुत ही एक सुखद अनुभव होता है कि जब उसके शिष्य की जो है बुद्धिमानी की या उसके जो है शिष्य की किसी प्रकार की तारीफ होती है। तो
तो जब किसी के शिष्य की जब बड़ाई होती है तो ये अध्यापक के लिए बड़े ही एक सुखद क्षण होता है। तो दुर्योधन जो है एक काम जो कर रहा है वह ये कर रहा है कि पहले तो उनको जाके दिखा रहा है और दूसरी बात जो है वहाँ पर यह भी बता रहा है कि तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य ने। अब यहाँ पर एक चीज ये भी प्रश्न उठता है कि वह द्रोण के पास ही क्यों जाता है, क्योंकि उसके सेना के नायक तो भीष्म थे। एक्चुअली में दुर्योधन को कहीं ना कहीं दुर्योधन के अपनी मनस्थिति के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर छल है तो इसे ये लगता है, चूंकि द्रोण जो हैं वह एक अध्यापक हैं और वह पांडवों के भी अध्यापक हैं और दुर्योधन के जो कौरव सेना है उसके भी अध्यापक हैं, तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का एक मन में एक संदेह होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि द्रोण जो हैं, हो सकता है कि पांडवों की तरफ से, क्योंकि धर्म अधर्म की बात यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि सही और गलत में ये भी जो है पांडवों को चुन ले, क्योंकि अध्यापक हैं उनके प्रति भी जो है शिष्य के प्रति जो है एक मोह तो होता ही है और इसको पता है, दुर्योधन को पता है। और चूंकि उस तरफ जो है इनके प्रधान शिष्य, इनके जो हृदय के ज़्यादा नज़दीक है अर्जुन है, वह उस तरफ है, तो इसलिए वह सबसे पहले द्रोण के ही समक्ष आता है। तो उसकी जो कुटिलता है, जो एक तम अधिक जो रज प्रधान व्यक्तित्व के अंदर जो एक कुटिलता है उसके अंदर के कारण जो है वह संदेह उत्पन्न करता है। तो इल्यूजन तो है ही, साथ साथ इसके पास जो है संदेह भी है। वह दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता, वह विश्वास नहीं करता। तो इस व्यक्तित्व को यदि हमें समझना है तो यहाँ पर हमें एक और जो है गुण देखने को मिलता है कि उसके अंदर विश्वास की कमी है। तो विश्वास जो है वह दूसरों पे विश्वास जल्दी नहीं करता और इसलिए उसे ये कहीं ना कहीं एक संदेह है कि द्रोण ऐसा ना हो कि अपना पाला बदल लें, तो उसको जो है जाकर सबसे पहले उसको एड्रेस करता है। एक चीज और भी है कि भाई उनको एड्रेस जब कर रहा है तो और एक और बात को जो है वहां पर, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि चूंकि संदेह युक्त इसकी बुद्धि है, तो एक और बात यहां पर इसने ध्वनित किया। जैसा कि महाभारत के प्रसंग में आप सब लोगों को पता होगा कि धृष्टद्युम्न जो है उसकी उत्पत्ति ही हुई थी जो है द्रोण की हत्या करने के लिए, यानी कि ये द्रोण को भी पता है कि ये जो धृष्टद्युम्न है वह मेरी हत्या करेगा, या ये मतलब ये पूरी तरह से मेरी हत्या के लिए ही जो है इसका पूरा जीवन ही जो है पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वह उसको बता रहा है, उसके अंदर मन में जो है एक फूट डाल रहा है, एक भेद डाल रहा है, उसके अंदर जो है एक प्रकार के घृणा के भाव को उत्पन्न कर रहा है कि देखो वो तुम्हारे जो शिष्य हैं पांडुपुत्र हैं, उन्होंने उस व्यक्ति को सेना नायक बनाया जो कि तुम्हारी हत्या करने वाला है। तो ये जो एक कुटिल बुद्धि है, ये दुर्योधन की कुटिल बुद्धि है, कुटिलता है, वह उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है और इसीलिए वह सबसे पहले अपने आचार्य के पास गया, एरोगेंस के साथ गया, और उसके बाद उसके अंदर जो है एक भ्रम है, उसके बाद उनको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैम्परिंग भी कर रहा है, और एक बात और जो है कि वो उसको ये डरा, उसके अंदर जो है घृणा के बीज भी बो रहा है कि देखो अगर तुम्हारे ये शिष्य जो हैं अगर अच्छे होते तो कम से कम तुम्हारी हत्या करने वाले को जो है ये अपने सेना के नायक नहीं बनाते, सेनापति नहीं बनाते। तो इसलिए जो है अगर तुम्हारे मन में कहीं भी जो है इन पांडु पुत्रों के प्रति अगर थोड़ा भी अगर इफ बट है, कुछ भी मोह है, तो उसको बिल्कुल निकाल दो। तो ये जो दुर्योधन के व्यक्तित्व से जो है हमें उसके गुण को देखने को मिलता है, उसके स्टेटमेंट से हमें देखने को मिलता है। तो ये जो उसका व्यक्तित्व है ये इस प्रकार है कि इसके अंदर शौर्य है। अच्छा, एक और चीज है, एक होता है कि इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात होती है कि भाई हम ऐसा तो नहीं कि हीन भावना, तो यहाँ दुर्योधन के अंदर जो है हीन भावना का वो नहीं है, और हीन भावना नहीं होने के कारण ही वह सबसे पहले जो है अपने विपक्षी सेना के, क्योंकि आगे जो है इसमें जो है वह सबसे अपने विपक्षी सेना को जो है बताता है, उस विपक्षी सेना की जो है विशेषताओं को बताता है। सामान्य अनुभव में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि यदि हमारा किसी से द्रोह होता है या हम किसी से नफरत करते हैं
तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले की कमी से अपनी बात शुरू करते हैं। हम ये शुरू करते हैं कि सामने वाला कितना बुरा है, कितना गलत है, कितना कमजोर है, या इस तरह के जो है उसकी हीनता के वर्णन से जो है हम अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन दुर्योधन के जो है व्यक्तित्व में एक जो अच्छी बात है वो ये है कि वह जो है अपने विपक्षी को जो है पूरा सम्मान दे रहा है। वो कहीं ना कहीं एक हीन भावना का शिकार नहीं है, और ये हीन भावना का शिकार नहीं होने का जो है ये कारण है कि उसके अंदर शौर्य है, उसको अपने सामर्थ्य पे और उसके अपने सामर्थ्य से ज्यादा उसके तरफ से जो युद्ध कर रहे हैं उनके सामर्थ्य पे, क्योंकि उसे पता है कि भीष्म से, आगे बताएगा कि ये भीष्म से रक्षित सेना है, और भीष्म जो है वो किस प्रकार के हैं, जिनको अपने मृत्यु को जो है जिन्होंने मतलब अपने लिए जब वो निश्चित करेंगे तभी उनको मृत्यु प्राप्त हो सकती है, यानी कि एक तरह से जो है वह अमर हैं। और द्रोण जैसे महान धनुर्धर जो उस समय के सबसे महान आचार्य थे उस समय के, ऐसे आचार्यों द्वारा हमारी रक्षित सेना है, तो मुझे तो मैं तो हार ही नहीं सकता हूं। तो इसलिए जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हो तो ये कहीं ना कहीं आप शत्रु या अपने प्रतिस्पर्धी के यानी अपने विपक्षी की भी जो है आप गुणों को या उसकी विशेषताओं को बताने में संकोच नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं तम अधिक रजब प्रधान व्यक्तित्व का जो है ये हमें दुर्योधन की विशेषताओं में देखने को मिलता है। आगे और भी चीजें हैं दुर्योधन के विशेषता, लेकिन मैंने केवल और केवल एक श्लोक ही लिया है उसकी विशेषताओं को बताने। सबके मैं एक एक श्लोक को ही आगे लूंगा। चौथा जो है हमारा चौथा पात्र जो है वह अर्जुन है, और अर्जुन के विषय में यह है कि वह सत अधिक रजब प्रधान है, यानी कि दोनों दुर्योधन और अर्जुन जो है एक ही जो है मतलब रजब प्रधान है, लेकिन इसकी टेंडेंसी जो है अर्जुन की टेंडेंसी जो है वह सत्य की तरफ झुकी हुई है, और दुर्योधन की टेंडेंसी जो है वह तम की तरफ झुकी हुई है। तो ये जो हमें हमारे पास जो है चार व्यक्तित्व के जो है भाग हमें मिलते हैं, और यही चार व्यक्तित्व जो है इसको हम जितने अच्छे तरीके से समझ लें, जितने अच्छे तरीके से बता लें, उसमें हमें और जो है व्यक्तित्व के नए नए आयामों को देखने को मिलता है, उनके नए नए प्रकृतियों को समझने का मौका मिलता है। तो अब मेरा जो चौथा व्यक्ति है, पर्सन है, पात्र है, उसकी मैं चर्चा करता हूं। उसके जो है प्रथम वक्तव्य से उसकी उसके व्यक्तित्व का मैं विश्लेषण करता हूं। तो जो अर्जुन है उसका जो प्रथम श्लोक है वह है कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। हे अच्युत यानी कि हे कृष्ण, मेरे रथ को कहाँ ले चलो, तो इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखिए यहां पर जो है, यहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों के अगर हम विशेषता को बात देखें तो दोनों जो है अपनी बातों को शुरू करते हैं बताने के संदर्भ में, लेकिन जो अर्जुन है इसमें निवेदन है, इसके अंदर जो है एक ऐसा गुण है कि वह उसमें निवेदन रूपी है। हमने दुर्योधन के व्यक्तित्व को देखा तो उसमें एरोगेंस था, इसमें एरोगेंस नहीं है, इसमें जो है निवेदन है, ये फ्लेक्सिबल है। तो सत्व प्रधान होने के चलते इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसलिए चूंकि इसके भी जो मित्र हैं, इसके जो एक मेंटर हैं, एक अध्यापक हैं, वह कृष्ण हैं, तो इसलिए जो है यह उनसे निवेदन कर रहा है। और दुर्योधन के व्यक्तित्व में हमने देखा देखा कैसे व्यक्तित्व के अलग डायमेंशन पे होने के चलते उसके व्यक्तित्व में हमें जो देखने को मिलता है तो वो जो है आके बताता है, यहाँ निवेदन है। तो निवेदन यहाँ पर अर्जुन के उसमें एक सरलता जो है और सौम्यता है, यह हमें अर्जुन के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। एक और जो इसने बात कही वह कह रहा है कि हे अच्युत, हे कृष्ण, तुम मेरी जो है मेरे इस रथ को कहाँ लेकर चलो, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यानी कि जो सत्य प्रधान यदि सत्य अधिक जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होगा, व्यक्तित्व होगा, उसके अंदर दोनों पक्षों को देखने की जो है इच्छा होगी। देखिए दोनों पक्षों को, देखिए हमारे जीवन में जो है हमेशा कर्तव्य अकर्तव्य
क्या करें क्या ना करें या क्या सही है क्या गलत है, इसका जो है एक कन्फ्लिक्ट रहता है। ये दो हमारे सामने परिस्थिति होती है, ये दो ध्रुव हमारे पास होता है, और इन दोनों ध्रुवों में जो है हमारा किस प्रकार से इन दोनों दोनों परिस्थितियों से जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम किस तरह का परफॉर्म करते हैं, यही हमारा व्यक्तित्व है। तो हमने दुर्योधन को भी देखा कि दुर्योधन ने जो है इस पूरे संघर्ष के वातावरण को कैसे अपने जो है उसको किस तरीके से वो ले रहा है, उसमें वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और वहीं अर्जुन जो है, अर्जुन का परफॉर्मेंस क्या है, अर्जुन का व्यवहार क्या है, अर्जुन किस तरीके से अपनी बातों को कह रहा है, ये जानना बड़ा ही उपयुक्त होगा। तो अर्जुन का जो व्यक्तित्व है उससे हमें समझने का अवसर मिलता है कि वह जो है वह दोनों पक्षों के बीच में जाना चाहता है। तो सत्य सत्य अधिक होने से जो है आप में जानने की जिज्ञासा होगी और सही जानने की जिज्ञासा होगी। ये हो सकता है कि वह अपने पक्ष को ही देखने का प्रयास करता है, या हो सकता है कि वह ये अगर अगर उसके अंदर कुटिलता होती कि चल मुझे ऐसे जगह पर ले चल जहां से मैं अपने विपक्षियों को अच्छी तरह से देख लूं, नहीं, वह केवल और केवल विपक्षियों को देखकर जो है अपने युद्ध संबंधी निर्णय को नहीं करना चाहता, वह दोनों पक्षों को देखना चाहता, दोनों पक्षों को जानना चाहता है। और ये जो है अर्जुन के एक व्यक्तित्व की विशेषता है, ये जो है सत अधिक रज प्रधान गुण की विशेषता है कि उसके अंदर क्रियाशीलता है, लेकिन क्रियाशीलता के साथ साथ सबसे पहले उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर नम्यता है, नम्यता के बाद जो है उसके अंदर क्रियाशीलता है, जिज्ञासा है, और उसके बाद जो है जिज्ञासा के साथ साथ जो है वह क्या चाहता है, तो वह चाहता है कि दोनों पक्षों के बीच में, देखिए हमारे जीवन में जब भी हमारे सामने कोई प्रसंग उत्पन्न होता है, हमारा चित्त जो है वह किसी न किसी निष्कर्ष को धारण कर लेता है। मन की स्थिति होती है निष्कर्ष प्रधान, मन जो है आपको कोई ना कोई निष्कर्ष के लिए बाध्य करता है। जब भी हमारे पास कोई सिचुएशन है हम तुरंत चाहते हैं कि हमें निष्कर्ष मिले। तो ये जो तीनों व्यक्तित्व हैं वह निष्कर्ष युक्त होते हैं, लेकिन सत्व में भी जो है सत्व में भी ये गुण देखने को मिलता है कि वह जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता है। और ये चूंकि क्रियाशीलता युक्त सत्य प्रधान है तो ये भी जो है निष्कर्ष नहीं निकालेगा, ये पहले विमर्श करेगा। और विमर्श के लिए आवश्यक है कि आप दोनों पक्षों के बीच में जाओ, यानी कि हम निष्कर्ष में क्या करते हैं, हम किसी एक पक्ष को पकड़ लेते हैं। अच्छा जो है अभी जो है कुछ संघर्ष चल रहा है, हमने संघर्ष में जो है किसी एक पक्ष को पकड़ लिया, हमने कह दिया नहीं नहीं ये सही है, हमने अपने आप को किसी न किसी पाले में बांट लिया, हमने किसी न किसी अपने आप को चौखट्टे में बांट लिया। लेकिन अध्यापक की, और ये संजय में भी ये गुण है, उस समय मैंने नहीं इस चीज को स्पष्ट किया, वो भी जल्दी निष्कर्ष, हाँ उसका जो है ज्यादा झुकाव वो चाहे तम के पास भी रहे लेकिन झुकाव जो है वह सत्य की तरफ होता है, तो ये जो है उसके आखिरी स्टेटमेंट से हमें ज्ञात होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें सत्य अधिक रज प्रधान जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को जब हम समझते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो किस प्रकार का आचरण करता है। तो वो जो आचरण कर रहा है वह आचरण कर रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में जाने के लिए। तो हमारी जो हमारा जो ये मनस है, जो हमारा माइंड है, जो हमारे चित्त है, वह चित्त की जो है किसी भी परिस्थिति में वह तुरंत एक रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ये आप सब लोग अनुभव कर सकते हो कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो आपका चित्त जो है कोई ना कोई निष्कर्ष चाहता है। यदि आप उसको निष्कर्ष नहीं दोगे तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है निष्कर्ष प्रधान जो है हमारा चित्त होता है उसको कोई ना कोई एक आलंबन चाहिए जिस पर वह टिक जाए। वो उसे ये मतलब नहीं तुम किसी को जो है सही कर दो किसी को, लेकिन किसी को करो, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। हम अपने चित्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते बगैर किसी निष्कर्ष के। तो ये जो अर्जुन का चित्त है वह बीच में जाने के लिए उत्सुक है, वह पक्ष और विपक्ष के एक ऐसे बिंदु पर जाना चाहता है जहां से वह दोनों पक्षों को सही तरीके से देखे। तो देखने रूपी जो है सत्य रूपी सत्य दर्शन रूपी क्रिया जो है
ये सत्व प्रधान से होता है, और ये सत्व प्रधान होने के चलते जो है अर्जुन में बीच में जाने की टेंडेंसी है, उसे बीच में से चीजों को देखने की प्रकृति है और वह निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा चित होता है, हम तुरंत एक निष्कर्ष को चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में जो अर्जुन का व्यक्तित्व है और उस अर्जुन के उस व्यक्तित्व में जो कृष्ण का विमर्श है, कृष्ण रूपी विमर्श है, वह इसीलिए है कि वह घटनाओं के सेंटर में जाने की उसकी टेंडेंसी है, न कि किसी न किसी एक छोर को पकड़ने की। तो चाहे वह भीम हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे इन सब लोगों ने अपने अपने कारणों से किसी न किसी एक छोर को पकड़ लिया है, लेकिन अर्जुन जो है बीच में जाने के उत्सुक है। तो ये जो है सत अधिक रज प्रधान व्यक्तित्व का गुण है। तो ये हमें कुछ देखने को मिला कि जो है ये चार प्रकार के हमें पूरे पर्सनालिटी को यदि हम देखें तो चार टाइप हमें देखने को मिलते हैं। और इसी चीज को जो है आगे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभावशो, यानी कि चार प्रकार की ये चार टेंडेंसी जो है मैंने सृजन किया है, और यही जो मेरा जो सृजन है ये चार टाइप है, इसमें जो मूल कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो इसमें जो मूल मुख्य गुण है वह है गुण और कर्म, यानी कि गुण और कर्म के जो आपसी संयोग वियोग से मैं ये चार प्रकार के पर्सनालिटी को, चार प्रकार के व्यक्तित्व को जो है मैंने बनाया है, ये प्रकृति ने मैंने बनाया है, मतलब प्रकृति प्रदत्त है, और ये चार प्रकार का व्यक्तित्व जो है हमें भगवद गीता से देखने को मिलता है। अब ये तो हुआ कि व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के संदर्भ में जो है मैं अब थोड़ी सी अपनी बात ये स्पष्ट कर दूं कि व्यक्तित्व का मतलब ये है कि जो हमने चार वो जो गुण देखे वो चार जो है हमें व्यक्तित्व, इसी में जो है हम लोगों को बांट सकते हैं, और ये इस प्रकार से हम पर्सनालिटी का परीक्षण कर सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी किस प्रकार से है, और जिसका जिसकी पर्सनालिटी जिस प्रकार से है हम उसको उसी प्रकार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये भगवद गीता में ये भी कमाल की चीज़ है कि भगवद गीता में जो है इन चारों प्रकार की पर्सनालिटी के लिए जो है ट्रीटमेंट का भी विधान है कि हमें उसके लिए कौन सी जो है स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, किस प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटजी, किस प्रकार के जो है कन्वर्सेशन स्ट्रेटजी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें भगवद गीता में देखने को मिलता है। तो ये भी एक युक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमें व्यक्तित्व के संदर्भ में हमें ये चीज जान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो चिंतन है ये व्यक्तित्व के ये चारों जो डायमेंशन है उसमें किसी को हायरार्की में जो है नहीं बांटता, ये चारों एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है और अस्तित्व के हर उस पार्ट के प्रति हमें जो है एक सम्मान की दृष्टि रखना चाहिए, न कि जो है उनमें जो है किसी उत्कृष्ट और निकृष्टता का भेद लाना चाहिए। अगर किसी के अंदर जड़ता है वो भी बहुत आवश्यक है, और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासुपन है, बहुत ज़्यादा जानने, वो भी एक गुण है, और सबको उसके उसके पर्टिकुलर गुण के अनुसार से जो है जब एक अध्यापक उसके साथ व्यवहार करता है तो वह जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस निकल कर आती है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रोसेस निकल कर आती है। अब यहां पर एक और श्लोक के माध्यम से, चूंकि समय का अतिक्रमण हो रहा है, तो मैं यहां पर एक जो है संघर्ष, चूंकि मेरे उसमें विषय में संघर्ष समाधान जी सर मैं जो है जी मैडम तो मैं जो है पूरे इस पे जो है व्यक्तित्व को मैंने बताया, अब मैं एक संघर्ष समाधान के लिए एक जो है श्लोक का प्रयोग करके मैं इस अपनी बात को जो है अंत करूंगा कि एक छठवें अध्याय में जो है एक इस कॉन्फ्लिक्ट को निकलने के लिए, चूंकि अब अर्जुन का ही जो है व्यक्तित्व इसमें आगे चलेगा जिसको ध्यान में रख के जो है सारे जो स्ट्रेटजी का प्रयोग किया गया है, उसमें जो है मैं एक केवल और केवल एक श्लोक का प्रयोग, वैसे तो पूरा का पूरा भगवद गीता जो है अपने अनंत जो है ज्ञान अथाह भंडार से जो है भरा पड़ा है, लेकिन मैं अब चूंकि समय नहीं है एक एक श्लोक पर जो है पूरे दिन जो है विमर्श चल सकता है, तो मैं केवल और केवल एक श्लोक से जो है अपनी बात कहूंगा, और वो है जो छठवें अध्याय में एक श्लोक है, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्म नमवसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, यानी कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें। यानी भगवद गीता में जो है
जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो स्ट्रेटजी है, वह स्ट्रेटजी क्या है? वह है कि आप अपने व्यक्तित्व में जो जो संघर्ष है, क्योंकि जो है पहले ही यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि व्यक्तित्व जो है क्या है, समष्टिगत एक जो है परिवेशगत जो है एक प्रभाव है और एक आंतरिक जो है प्रभाव है। तो अर्जुन की जो है कुछ अंतर की स्थिति है और परिवेश का प्रभाव है, और इससे जो है हमने पूरे व्यक्तित्व के संदर्भ में बातें की। और अब जो है उस व्यक्तित्व में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को जो है, चूंकि अब संघर्ष की भी जो है पूरी एक व्यापक इसमें समझ है, मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल और केवल एक संघर्ष समाधान को बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। तो संघर्ष समाधान के संदर्भ में जो भगवद गीता का एक सूत्र है, वह सूत्र आप लोगों को जो है निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। और वह सूत्र क्या है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें। यानी भगवद गीता में जो कृष्ण का जो सूत्र है, उसमें वह ये एक ह्यूमन सेंट्रिक अगर हम बात करें, तो वह व्यक्ति को उसको विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी समस्या, तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारे कन्फ्लिक्ट का जो है जो समाधान है, वह तुम्हारे पास ही है। प्रायः जो है विश्व के जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सब कहते हैं कि जो है तुम्हारे संघर्ष का समाधान इस पाथ पे है, इस मार्ग पे है, या इस किताब से है, या नाना प्रकार के जो है युक्तियों का देते हैं, उनका एक महत्व है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे संघर्ष का समाधान तुम्हारे पास है। क्यों तुम्हारे पास है? क्योंकि वो जानते हैं, वह उस चीज को भी आगे बताते हैं भी हैं कि तुम्हारा जो संघर्ष है वह तुम्हारे ही कर्म का फल है। तो इसलिए तुम कारण तुम हो, कॉज तुम हो, तो इसलिए जो है सॉल्यूशन भी तुम ही हो सकते हो और तुम्हें ही बनना पड़ेगा। और इसी चीज को इन्होंने जो है उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्म नमवसादे, मतलब अपने में ही जो है तुम्हारा उद्धार है और तुम्हारे पास ही तुम्हारे पतन का भी कारण है। इन दोनों चीजों का के जो है होल सोल रिस्पॉन्सिबल तुम स्वयं हो, ये कृष्ण जो है बता रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमारा अहंकार जो है वह हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है बचाता है, और इसीलिए हमें चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे कोई किसी प्रकार के जो है, हमें कोई एक आलम्बन चाहिए होता है जहाँ पर हम अपने अहंकार की सुरक्षा कर सकें, हम अपने ईगो की सुरक्षा कर सकें। और वह ईगो क्या है कि हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है बचना चाहते हैं। तो कृष्ण के सामने, कृष्ण का जो पूरी जो स्ट्रेटजी है, वह आपको भागने नहीं देते, वह आपको बचने नहीं देते, वह आपको स्वयं जिम्मेदार बनाते हैं। और वह कहते हैं कि तुम अपने उद्धार के, तुम अपने संघर्ष, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो एक प्रकार की जो समस्याएं दिख रही हैं, उस समस्या के समाधान तुम स्वयं हो और तुम स्वयं उसके लिए जो है जिम्मेदार हो, और तुम जो है अपने पतन के भी जिम्मेदार हो। तुम्हारे ही हाथ में तुम्हारा पतन भी है और तुम्हारे ही हाथ में तुम्हारा कहीं ना कहीं अभिवर्धन भी है। और अभिवर्धन, अब चूंकि ये थोड़ी सी एक कठिन स्ट्रैटेजी हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी के पास, काउंसलर के पास जाते हैं, कोई हमसे जब ये कहता है कि अच्छा तुम्हारी समस्या का समाधान ये सारी परिस्थितियां हैं, और ऐसे वो मतलब अन्य अन्य चीज़ों पर हम जब डालते हैं, तो उसका जो है सेल्फ जो है वो बचता है, वो सेल्फ जो है बचता है। पूरे भगवद गीता का विमर्श यही है कि अपने सेल्फ को मत बचाइए। जिस हम सेल्फ को बचाकर तमाम तरह की जो है समस्याएं क्रिएट करते हैं, या उस सेल्फ को बचाने के लिए हम तमाम तरह के जो संघर्ष उपस्थापित करते हैं, भगवान कृष्ण जो है उस पूरे सेल्फ को ही जो है एक्चुअली में भगवद गीता में उसको घिसने का काम करते हैं, उसको रगड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर जो है ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम उसके स्वयं जिम्मेदार हो। तुम यदि कहते हो कि भाई वो प्रारब्ध के चलते मुझे कुछ नहीं मिला, या मैं जो है काम किया मुझे नहीं मिला, ये सब बातें नहीं चलेगी। तुम्हारे हर संघर्ष के जो है तुम्हारे हर कारण तुम हो और समाधान भी तुम हो। और उसके बाद जो है एक और बात जो यहाँ पर इन्होंने कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जो कही है, उस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि आत्मैव यात्मनो बंधु। अब लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास समाधान है, तो तुम खुद के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट करो, यानी क्या, क्योंकि एक कृष्ण के सामने यह भी प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को उसके सारे दुखों के लिए जिम्मेदार ठहरा दें,
यहाँ पर मैं जरूर ध्यान देना चाहूंगा कि ये अर्जुन के लिए बात कही जा रही है, इस प्रकार की पर्सनालिटी के लिए। अगर कोई बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व है उसको हम ये टेक्निक नहीं यूज कर सकते, उसे हम नहीं कह सकते कि तुम अपनी समस्याओं के स्वयं जिम्मेदार हो। तो ये चीजें भी समझनी, मैंने इसीलिए कहा कि मैं अर्जुन के ही संदर्भ में, अर्जुन के व्यक्तित्व के संदर्भ में ही संघर्ष समाधान यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम स्वयं हो, तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए, और दूसरी बात ये पुरुषार्थ किस प्रकार से हो, ऐसा ना हो कि तुम खुद के प्रति जो है आत्मघात कर लो, तुम खुद के प्रति जो है एक डिप्रेशन के शिकार हो जाओ। तो वो कहते हैं कि मित्रवत भाव से, जिस प्रकार एक मित्र स्वयं के मित्र हमारे साथ आचरण करता है, तुम भी अपने साथ एक मैत्रीपूर्वक व्यवहार करके अपना उद्धार करो, अपने को अपनी इस संघर्ष रूपी जो है परिस्थिति से निकलो। और इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण जो है इसके माध्यम से व्यक्ति को ये एक पूरी तरह से उसको प्रामाणिकता देते हैं, उसके हाथ में ये सूत्र देते हैं कि तुम्हारे पास समाधान है। और फिर आखिर में आकर जो है जब अर्जुन कहता है, अर्जुन के व्यक्तित्व से भी निकल कर आता है कि अब मेरा जो है संदेह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट कर आ गई है, और अब मैं जो है वो मेरी मति जो है वह स्थिर हो गई है। ये 73 नंबर श्लोक है 18वें अध्याय का, जिसमें ये बातें उसने कही है कि अब मेरी जो है अब मेरी जो स्थिति है वह बिल्कुल स्थिर हो गई है। तो एक जो एक व्यवस्थित व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी की बात करते हैं जो कि बेहतर व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो वो ऐसा व्यक्तित्व जिसमें स्थिर बुद्धि हो जाए, जिसमें क्या करें क्या ना करें का विमर्श भी हो, और उसके बाद उसे जो है अल्टीमेट निष्कर्ष हो, और वह निष्कर्ष जो है उसके प्रकृति के अनुसार हो, उसके कार्य के अनुसार हो। अब जैसे अगर हम एक अध्यापक हैं और अपनी अध्यापक वृत्ति में जो है हमें जो कार्य करना है और उसको लेकर हमें किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, और उस कन्फ्लिक्ट में हम पहले उस पूरे विमर्श को देखते हैं, और विमर्श को देखने के लिए हम सेंट्रल में चीज़ों को जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो है एक तरफा निर्णय ले लिया, तो हम कहीं ना कहीं एक दोष उत्पन्न कर देंगे। तो कृष्ण की जो है टीचिंग से भी हमें ये देखने को मिलता है कि हमें जो है उस सेंट्रल टेंडेंसी को ध्यान में रखकर, उस बीच की स्थिति को ध्यान में रखकर ही हमें पूरे विमर्श को करना है, और विमर्श के आधार पर निष्कर्ष को प्राप्त करना है। और वो जो निष्कर्ष होगा उसमें जो है फिर आपको कृष्ण कहते हैं कि यथेक्षसि तथा कुरु, यानी कि जैसी आपकी इच्छा है वैसे करो। यानी पहले आप पूर्व में देखेंगे तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन 18वें अध्याय में आकर जब उसे कृष्ण को पता चल जाता है कि अब इसकी बुद्धि जो है, अब इसका व्यक्तित्व जो है वह स्थिर हो गया है, अब इसके अंदर संघर्ष नहीं है, तब उसे जाके ये कहते हैं कि अब जैसा चाहो वैसा तुम कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे समय दिया, मेरी बातों को आपने सुना, और मैं पुनः जो है इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे डॉक्टर सोमू सिंह सर के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी अध्यापक शिक्षा के जो विद्वान लोग हैं, विद्वत जन हैं, विद्वत समुदाय है, उन सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि जब हम मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं, जब हम पश्चिम की दृष्टि की बात करते हैं, तो साथ साथ हमें जो है भारतीय दृष्टि का भी जो है कहीं ना कहीं इसमें एक समागम जो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने भारत की भी जो दृष्टि है उसमें भी बहुत ऐसे सूत्र हैं जो कि बड़े ही कमाल के हैं और जो बड़े ही विचारणीय हैं। अब इस पे जो है शोध का भी एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनकर निकल कर आता है। तो मैं पुनः पुनः हृदय से सोमू सर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।